अगर आपने काम किया है तो उसका मेहनतनामा ना मिले तो बहुत दुख होता है, क्योंकि गरीब तबके के लोग मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। गांव पिंगली का ऐसा ही मामला हमारे सामने आया है कि ग्रामीणों ने मनरेगा के तहत काम किया है लेकिन उनको मेहनतनामा नहीं मिला। अपने इसी हक को लेकर मनरेगा मजदूर रोष स्वरूप अतिरिक्त उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे और मनरेगा के तहत जो कार्य किया गया है उसकी पेमेंट की मांग की। इस अवसर पर उनके साथ युवा बोलेगा मंच की बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि सरकार द्वारा 2016 में जो पिंगली गांव में चोहड़ खुदवाया गया था उसमें बड़ी संख्या में पुरुष व महिलाओं ने मजदूरी की थी जिसका पैसा आज तक उनको नहीं मिला है। इसी विरोध में आज करनाल के लघु सचिवालय में पहुंचकर 2016 में किए गए कार्य की पेमेंट देने की मांग की गई। इस अवसर पर उन्होंने गांव के मौजूदा सरपंच व मनरेगा के तहत कार्य करवाने वाले अधिकारियों पर कार्य कार्रवाई करने की मांग की है। हमारी मजदूरी चाहिए जो हमने, हमारी मेहनत चाहिए जो इतने गारा में पड़े थे हम, ठीक है। सरकार बनावा, सरपंच बनावा, प्रतिनिधि बनावा, जी दिल्ली तोड़ता, दिल्ली डोबता, कौन बना दे घोषणा? कौन से गांव से आप? पिंगली का जी। तो क्या कार्य किया था आपने? कहाँ का? ये चीज गलत है। इसके तहत आप मीडिया के द्वारा, आपके लाइव के द्वारा दूसरे गांव में मैं जो मनरेगा का घोटाला हो रहा है वो भी जाग जाओ भाई। और नहीं ये कुछ नहीं करेंगे, ढाई साल तक बताओ इतनी किसने देखा? ढाई साल तक किराया क्यों नहीं मिला? कितना बड़ा घोटाला है ये? 7-8 लाख के बीच में घोटाला है ये बता रहे हैं। और ये स्टोरी इसी गाँव में नहीं है और अन्य गाँव में भी चल रहा है। ये पिंगली गाँव की महिलाएं हैं 200-150 जिन्होंने 2016 में जोड़ में भटकन है, 5वें महीने से 8वें महीने तक तासले ढोकन है, अपने शरीर को गला लिया और उसके बाद थोड़ी थोड़ी मजदूरी इनको दे करके 7-8 लाख रुपया एक ऐसा है जो आज तक नहीं दिया। और 2.5 साल से ये पिंगली गांव के 150 मजदूर कभी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, कभी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, कभी DC साहब से आते हैं, इतने गोती हो गया। दिखाइए रहा है आज किस लिए आए हैं? आज ADC से कल परसों मिलना था, आज ADC से युवा बोलेगा मंच के क्रांतिकारी के साथ मिलकर के आर पार की बात करने आए हैं कि तुम्हारे अधिकारी, तुम्हारा JE, तुम्हारा BDO सारे मिलकर, और जो गांव के सरपंच है उन्होंने फर्जी खाते खोल रखे हैं, उसका भाई मैट बना हुआ है, कभी 4 खाते फर्जी खाते, 35 खाते फर्जी खाते, फर्जी खाते सारे गाँव में, मोदीपुर में भी, कई गाँव में भी है। इस गाँव तो इनको चताने आए हैं, 2.5 साल तक इनको न्याय क्यों नहीं दिया? ये 2.5 साल तक घूमते रहे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।